वेलकम गाइस। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रॉलेबल ही है। जो पिछले वीडियो में हम लोग स्क्रॉलेबल विजिट बनाए थे उसका ही दूसरा पार्ट है। तो उसमें क्या था कि हम लोग लिस्ट व्यू के मदद से स्क्रॉलेबल बनाए थे, लेकिन इसमें पूरी तरह से हम लोग देखने वाले हैं कि एक ही पेज में अलग अलग विजिट को कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो हमको कहीं पर वर्टिकल स्क्रॉल करवानी है, कहीं पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवानी है एक ही पेज में, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने नहीं बताया था, लेकिन हाँ इस वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कॉलम। कॉलम लेने के बाद मैं चिल्ड्रन लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से साइज बॉक्स थोड़ा सा दे देता हूँ, यानी कि मुझे थोड़ी सी हाइट ऊपर से छोड़ देना है, ताकि मुझे मेरा मन है मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपका मन नहीं है नहीं छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक रो, और रो लेने के बाद मैं देता हूँ चिल्ड्रेन। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टेक्स्ट, ये आपको ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल फिर बोल रहा हूँ, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस मेरा मन कर रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल भी देते हैं, स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर डॉट वाइट फॉन्ट साइज मैं देता हूँ 30। इतना करने के बाद मेरे पास इस तरह से कुछ आया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पैडिंग रहे, तो कॉलम को ही पैडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ, जिससे एक सेकंड कॉलम को ही पैडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ, जिससे कि ये पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा पैडिंग आ जाए चारों तरफ से। बस इतना मैंने कर लिया। अब मैं मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, यहाँ पे मैं 20 कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने वाले कोई भी विजिट है, तो यहाँ पे लिखना आपको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अरे यार, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लिखना है, और इसके अंदर आएगा एक चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं दूंगा रो, और रो में मैं दूंगा चिल्ड्रन। अब देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब जो भी चिल्ड्रन आएगा वो चिल्ड्रन ही आपका स्क्रॉलेबल रहेगा। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंटेनर लेता हूँ, और कंटेनर में मैं बनाता हूँ एक मैं कंटेनर में क्या बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ वो मैं सोच रहा हूँ। कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर में मैं बोलता हूँ सेंटर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा हूँ, सेंटर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ। टेक्स्ट देकर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं YouTube। इतना लिखने के बाद हमारे पास एक YouTube बन के आ तो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना चाहता हूँ। देखो यार, अगर आप ये वाली पार्ट नहीं देखना चाहते डेकोरेशन का, मत देखो, मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगा, ठीक है। आप स्किप करके आगे जा सकते हो। तो कलर मैं देता हूँ डीप पर्पल डॉट सेट 400, क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना अच्छा लगता है यार। पैडिंग भी थोड़ा मैं दूंगा, पैडिंग एडजस्टेड 20। 20 देने के बाद मैं थोड़ा सा विड्थ और हाइट भी देता हूँ। हाइट मेरा रहेगा, हाइट रहेगा मेरा 100 पिक्सल, और विड्थ रहेगा 300 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है। ओके गाइस, तो वापस आ चुके हैं फिर से, क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था तो मैं मुझे जाना पड़ा था। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे वो मुझे देखने दो थोड़ा सा, कि हम लोग कहाँ पे थे। हाँ ठीक है, यहाँ पे थे। तो हम लोग बना रहे थे स्क्रॉलेबल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल विजिट। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10। अब देखो गाइस कि हमने एक तो बना लिया है, ठीक है।
अब हमको इसी तरह से रिपीट करना है इसको, तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको 3-4 बार रिपीट कर दूँगा और उसके बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि पहली बात तो ये पूरी तरह से सट गया है, ठीक है। और तो हमको उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो देखो यार, ये अभी हार्ड कोडेड है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए हार्ड कोड बता रहा हूँ, लेकिन जब आप डेटा फेच करोगे तब आपको यहाँ पे एक ही कंटेनर लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, जो वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जिससे कि सारी चीज़ें सटे ना एक दूसरे से। अब इस तरह से वो हटा हुआ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फोर लूप लगा कर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे अगर हम फोर लूप लगाएं तो क्या सक्सेसफुल होगा? बस वही ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। रिटर्न नहीं ले रहा यार, चलो रहने दो, इतना दिमाग मैं लगाता ही नहीं। मैं जब दिमाग लगाने जाता हूँ तो उस टाइम दिमाग लगता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंटेनर। मैं देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटेनर, ठीक है। 10 कंटेनर बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्क्रॉल है इस तरह से हो। तो आप देख सकते हो उधर एरर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ पिक्सल्स की ओवरलैपिंग हो गई है। तो मुझे क्या करना है, स्क्रॉल व्यू में आना है, जो मैंने ऊपर लगाया था आपको पता होगा, स्क्रॉल व्यू में आना है, यहाँ पर लिखना है स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, उसके बाद ये एरर आपका चला जाएगा और ये एबल हो जाएगा इस तरफ से स्क्रॉल करने का। अब आपने देखा कि हम लोग इस तरह से स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं। अब हमको बनाना है कि एक नीचे से स्क्रॉल कैसे, हमको वर्टिकल स्क्रॉल करवानी है, ठीक है। तो वो भी हम लोग बनाते थे। उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है सिंपल सा, कि मैं इसी को ऐसे कॉपी करता हूँ। कैसे कॉपी करेंगे, इसी को मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ये लगाते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा दो, क्या बोल सकते हैं, दो यहाँ पे स्क्रॉलेबल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ वर्टिकल। अब हमारे पास काम क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल व्यू है, जो स्क्रॉल एक्सिस हॉरिजॉन्टल, उसको कर देना वर्टिकल। अगर वर्टिकल करते हैं तो भी हमारे पास वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये जो मतलब कि जो स्क्रॉल हो रहा है वो रो के हिसाब से हो रहा है। तो हमको यहाँ पे रो को भी बनाना पड़ेगा कॉलम। अब अगर आप देखो नीचे, तो नीचे हमारे पास जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आया वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो हमको अगर पूरी तरह से स्क्रॉल बनानी है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर ये देख सकते हो आप, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो पेज है वो स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसका पेज को स्क्रॉलेबल बनाना, यानी कि जहाँ पे भी एक सेकंड, बॉडी कहाँ पे आ रहा हमारा, बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। और कॉलम्स से पहले हमको इसको फैक्टर करना है विजिट से, और इसको बोलना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अब जैसे ही आप इतना लिखोगे उसके बाद आप देखो कि हमारे पास जो ये वाली चीज़ें हैं वो स्क्रॉलेबल बन गई है। अब आप बोलोगे कि हम तो चाहते थे कि सिर्फ इतना ही स्क्रॉल हो, नीचे वाली स्क्रॉल नहीं हो, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये तो पूरा पेज ही स्क्रॉल हो रहा है। तब उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग ने ये यूज किया था। अगर आप यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ पे ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी हटा दो, यहाँ पे सिंपल सा हम कॉलम रखते हैं, फिर भी ये स्क्रॉल होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ से चिल्ड्रेन भी, कॉलम्स भी हटा दूँ और सिर्फ मैं रखूँ क्या, कंटेनर्स रखूँ उतनी सारी, और मैं इसको सेव करूं, फिर भी ये स्क्रॉल होगा क्योंकि मैंने पूरा पेज ही को स्क्रॉलेबल बना दिया है, ठीक है।
तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं वो समझो। यहाँ पे एक हम लोग फिर से कंटेनर लेंगे और उसका विड्थ मैं पहले चाइल्ड में दे देता हूँ, चाइल्ड में देता हूँ सिंगल चाइल्ड। ट्राई करते हैं, मैंने कभी बनाया नहीं लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और उसको चाइल्ड में देता हूँ कॉलम्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, अब ये वाली जो कंटेनर है वो मैं लाऊंगा नीचे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर आप देखो नीचे तो कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, ठीक है वो मुझे पता है। हाइट में यहाँ पे देता हूँ 500 पिक्सल। ऐसा करते हैं इसको सबसे ऊपर उठा कर ले चलते हैं जिससे कि हमको आइडिया भी मिले कि हम लोग बना क्या रहे हैं। यहाँ तक था हमारा, यहीं तक था ना, हाँ यही है। इसको हम लोग नीचे करते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया ये, और थोड़ा सा हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं इसको। अब ये जो ऊपर आप देख सकते हो ये वाली चीज़ें, ये हमारा है वर्टिकल स्क्रॉल वाला। ठीक है, अब मैंने इतना तो डाला, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ। मैंने डुप्लीकेट बनाया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिर्फ इतना में ही स्क्रॉल हो रहा है। यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको सिर्फ एक कंटेनर की हाइट बतानी पड़ी कि भैया तुम इतना में ही इसको स्क्रॉल करवाओ। ठीक है, इससे ज़्यादा जब हो तो पेज स्क्रॉल करवा दो। अब अगर आप ऊपर की स्क्रॉल चाइल्ड सबसे ऊपर में चाइल्ड स्क्रॉल व्यू नहीं लगाते, ठीक है, तो ये पेज स्क्रॉल नहीं होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना में स्क्रॉल करवा सकते, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, यानी मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे ऐसे कैसे स्क्रॉल कराएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे, कोई भी स्पेसिफिक स्पेस में कैसे करवा सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, पूरा पेज को कैसे स्क्रॉल करवाते हैं वो भी बता दिया मैंने। आई होप आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये कुछ भी ज्ञान देता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो के लिए